अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पहाड़ी शरीफ पुलिस ने कल जो लाश मिली थी तालाब से, वो लाश को आइडेंटिफाई किया गया है। पूरम सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, 35 साल इनकी उम्र है। अब ये कत्ल करके इनको तालाब में फेंका गया था और इसकी तहकीकात अब पुलिस कर रही है। इनकी मिसिंग रिपोर्ट चनानगोटा पुलिस स्टेशन में हुई थी और चनानगोटे की मिसिंग रिपोर्ट को लेकर पुलिस अब तहकीकात कर रही है, लेकिन लाश आइडेंटिफाई हो चुकी है। लेकिन इनको किसने मारा, क्यों मारा, अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। तखियुर रहमान की ये रिपोर्ट। हेलो, मेरा नाम ममता देवी है। मेरे आदमी 22 को गए थे शादी में, पर आए नहीं। रात भर इंतज़ार करी पर वो आए नहीं। सुबह उठ के मैं कंप्लेन करने गई थी बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन। क्या नाम था? पूरन सिंह। कंप्लेन करी तो कोई सुनवाई नहीं। पहाड़ी शरीफ गई, वहाँ जाके सर से कंप्लेन करी, तब हर जगह पे मेरे आदमी को खोजे। तब सर मैं शायद फ़ोन किए थे, मेरे आदमी का सिम से ही फ़ोन किए थे कि तुम्हारा आदमी का सिम मतलब बॉडी मिल मतलब मिल गए, सो आके ले जाओ। तो मैं यहाँ से हंसते हुए गई कि सही में आ गए दरवाजे पे। तो मेरे गई तो मेरे को फ़ोटो दिखा है, मैं कि नहीं करी। फिर दोबारा दिखाया अच्छे से बैठा, तब जाके यकीन हुआ कि हाँ वही मेरे आदमी। फिर कौन से पुलिस स्टेशन वाले बुलाए थे आपको? चंदनगोटा। आप कहाँ पे गए थे फिर फोन करे थे पुलिस वाले? या बल्लागुड़ा चंदनगोटा। फिर आपको बुलाए थे फोन करे? यहीं पे बुलाए थे चंदनगोटा। मिले किधर उनको, पुलिस को कैसा मिले? वो कॉल आया तब गए थे सर। हाँ, पुलिस को आप नहीं पूछे कहाँ किधर मिले आप? मैं मिले कहाँ मिले बोले तो मेरे को यहाँ पे पहाड़ी शरीफ की तरफ लेती गंगा जी में मिले। आपको किस पे डाउट है? ये हरकत कौन कर सकता? ये डाउट मुझे एक लेडीज पे और एक जेंट्स पे है। कौन है वो लोग? इसका नाम जय देवी है और आदमी का सुगन नाम है, सुगन भाई। कौन आपके रिलेटिव है वो? हाँ, ये लड़की जो है, जो लेडीज है, वो इनकी मामा की बहू है। वो इनके पीछे लॉकडाउन से पड़ी है शादी करने के लिए। वो भी यही रहते? हाँ, यही रहती है। तो वो पीछे पड़े थे, वो बोले मेरी बीवी है, मेरे दो बच्चे हैं, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। चाहे तुम, वो भी शादीशुदा है, वो अपने आदमी को छोड़ के दो बच्चे छोड़ के मैं आई थी इनके पीछे कि हमें तुमसे शादी करना चाहती, पर ये मना कर दिए। इसके लिए बोली जैसे तुम मेरे को मना कर रहे मैं तुम्हें मरवा कर रहूँगी जान से। तो सर ये मरवा दी। तो इससे पहले लड़ाई हुई थी कुछ? हाँ, इससे पहले लड़ाई हुई थी। ये गली अपनी यहाँ पर लड़ाई हुई थी कमान के अंदर ही। तो फिर मैं वो हम लोग भाग के गए, यहाँ के मुझे बोले कि अनीता देख यहाँ पे लड़ाई हो गई, पापा कहाँ हैं? तो मैं बोली पापा यहीं पे। फिर पापा को बुलाई, यहाँ मेरे बाजू में चाचा थे उनको भी बुलाई। फिर सब जने भाग गए तो कोई नहीं मतलब वो हुआ, सब लोग भाग गए थे। वो लोग चार जने थे। अब मेरे आदमी को छाती पे मारे थे कि उनका दर्द के मारे वो छटपटा। कंप्लेन करने गई तो फिर मना कर दिया, बोला कि छोटे छोटे गली में पानी पूरी बेचता हूँ, कितना कंप्लेन करोगी, हर जगह पर थोड़ा छोटा मोटा होते रहता है। तो मैं सर नहीं गई। फिर उसके वजह से फिर अब ये आगे पीछे उनके घूमते रहते थे कि कौन था क्या मालूम। अब ये इसके लिए फिर सुन बुलाएगी शादी में, उधर ही मार दिए उसे। नाम है मेरा भाई का नाम दीपक। यहाँ पे गच की बड्डी लगाते थे तो आदमी मारने को आए, धमकाया, पता नहीं आसमां बात के बोलते। तो बस्ती वालों ने हमारे भाई को बचाया, बचा के इसके बाद में क्या करें, हमारे भाई यहाँ पे आना बंद कर दिए। अब यहाँ पे फिर हमारे पापा आना चालू कर दिए। फिर क्या करें, उन्हें बल्ला गुला में लगाने लगे बंडी, गली गली गचुप की गली गली घुमाते, गली गली घुमा के अब क्या हो गया पता नहीं। मंडे के दिन घर को आए, कारोबार करे, बस घर पे बंडी रख दिए। बोले हम थोड़ा दोस्त के साथ में खाना खाने को जा रहा है, अपनी बीवी को बोले, बस उसी दिन से मालूम नहीं है सर। तो क्या जी सर,
फिर हमने क्या करा, एक दिन नहीं आए, फिर हमने शाम को कंप्लेंट किया या चंद्रन गुट्टा किया, फिर इंजन बोली किया। इसके बाद में फिर शाम को मेरे को मालूम चला तो सर लोगों ने फ़ोन किया कि तुम्हारा भाई है, तुम इधर आ जाओ। उधर गए तो हमारे को नहीं बताया कि मर गया कि जिंदा है। वहाँ पर गया तुम मेरे को फोटो बताए, ये तुम्हारा भाई है? हाँ सर मेरा भाई है। चलो वो क्या बोलते है अपने सरकारी हो उस्मानिया, वहाँ को देख लो आप, डॉट बॉडी देख लो बोल के हम वहाँ पे गए, देखे तो हमारा भाई है वही। सर मारी दिए, पूरा पेट फाड़ दिए, पूरा गला काट दिए। हमें तो शक है, जो हमारे गांव का गांव के मामा लोग हैं ना, हैं उनकी बहू जो जोरी बहू आई ना, वो यहाँ पे कंपनी में काम करी, उसने एक लंगड़े के साथ में रही, वो दोनों जने साथ में रहे, मगर वो हमारे आदमी के आदमी लगाए, उसने खुद बोला उसने कि वो औरत ने मेरे को पैसे दिए कि दीपक के हाथ, पूरन सिंह के हाथ पैर टूटना है, हाथ पैर की टूटने की जगह पे उसको जान से उठा दिए। पूछिए दीदी को, जय देवी सर, पूरन नाम पूरन सिंह, पूरन सिंह नहीं, आसमाबाद के आदमी थे वो, यहाँ पे जो हमारे भाई को मारने को आए थे। हाँ हमने हमारे भाई लगाते थे, बस्ती वालों ने उनकी मदद करी हमारे भाई की, समझा के घर को भिजाए, बंडी छोड़ के गए, दूसरे दिन आके बंडी उठाए सर मेरा भाई, क्योंकि बोले रास्ता में जा रहा कहीं मारेंगे पीटेंगे बोल के सर, तो खाली चले गए, बंडी रख दिए ताला मार के, सुबह में आके बंडी उठाए सर। 25 तारीख में शाम को चार बजे साढ़े चार को मेरे को तुकुगुड़ा तालाब में एक अननोन डेड बॉडी है बोल के मेरे को इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आने के बाद में इमीडिएट उधर जा रहे, जाने के समय में उधर ना डेड बॉडीज़ का निकालने के बाद उसका मर्डर केस का केस बुक करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे पूरा बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन को पूरा इंक्वायरी करा। उसका 32-35 ईयर्स मैन मिसिंग कौन कौन है बोल के पूरा इंक्वायरी करने के बाद में चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में 22 तारीख में एक मिसिंग केस हुआ। मिसिंग केस का बारे में इसका इंक्वायरी करे तो पूरन सिंह बोल के 35 ईयर्स वो मिसिंग है बोल के उसका हस्बैंड उसका वाइफ कंप्लेंट दिए, उसके बारे में इंक्वायरी करने के बाद उसका डेड बॉडी का पूरा कपड़ा वो आइटम्स देखने के बाद उसका वो डिसीज्ड का वाइफ फिर मेरा हस्बैंड है बोल के बोल दिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें पूरा होने के बाद में उसका कहाँ से कौन लेकर गया, किधर कौन डाले उसका मालूम पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम, अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।